नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेड मसाज के बारे में। अक्सर पार्किंसन पेशेंट को आयुर्वेदिक फिजिशियन कहते हैं कि आप जाकर पंचकर्मा करवाओ, शिरोधारा करवाओ, बट किसी भी पार्किंसन पेशेंट में 7 दिन की 15 दिन की शिरोधारा थेरेपी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती, क्योंकि 15 दिन जो आपने थेरेपी की है अगर आप उसे कंटिन्यू नहीं करोगे तो दिक्कत क्या होती है कि पार्किंसन जो आपके ब्रेन के अंदर जो ब्रेन के सेल्स हैं वो मर रहे हैं, वो कंटिन्यू मरते चले जाते हैं। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है जो पेशेंट रोज कर सके, घर पे कर सके और उसका बेनिफिट शिरोधारा जैसा अच्छा पेशेंट में देखने को मिले। तो शिरोधारा में हम क्या कर रहे होते हैं, शिरोधारा में हम अपने सिर के ऊपर गर्म तेल गिरवा रहे होते हैं, हम लेट जाते हैं और एक मटके के अंदर तेल धीरे धीरे हमारे हेड फोरहेड पे गिरता रहता है, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म रखा जाता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें काम कर रही है, पहला है ऑयल, दूसरा है उसका टेम्परेचर। अगर हम यही चीज़ यही इफेक्ट रोज़ अपने घर पे पैदा कर सके तो कैसा रहेगा। तो अगर हम पार्किंसन पेशेंट के हेड पे डेली मसाज करते हैं, जब हम मसाज करते हैं तो हम रगड़ते हैं, जब हम रगड़ते हैं तो वहाँ पर हीट पैदा होती है, तो हमें क्या होता है कि शिरोधारा का सेम हमें इफ़ेक्ट मिल जाता है हेड मसाज से भी, अगर हम उसे सही तरीके से करते हैं तो। अब जब हम हेड मसाज कर रहे हैं या फिर शिरोधारा कर रहे हैं तो वहाँ पर हीट आ रही है। अब जब वो हीट जहाँ पर भी आती है और लंबे टाइम तक बनी रहती है तो उस हीट को डिस्पेंस करने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए हमारी बॉडी को उस पर्टिकुलर एरिया का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ब्लड क्या करता है नीचे से आता है और वो कूलेंट की तरह वर्क कर रहा होता है, और ये जो मैकेनिज्म है इस मैकेनिज्म के अंदर ब्लड सर्कुलेशन उस पर्टिकुलर एरिया का बढ़ जाता है। अब जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा तो ब्लड अपने साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर आता है, जैसे खाना, जैसे ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, खाने की मात्रा बढ़ी, तो जो ब्रेन के सेल्स पहले मर रहे थे वो उनमें जो हम क्या देखते हैं कि वो अब स्लो डाउन हो गए, वो कम मर रहे हैं, उनको कम नुकसान हो रहा है। तो ये बेनिफिट मिलता है जब हम हेड मसाज करते हैं डेली बेसिस पर एक पार्किंसन पेशेंट के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि अगर अपने हेड मसाज करनी है तो हम क्या, कौन सा ऑयल लें, कौन सा मेडिकेटेड ऑयल लें। तो हेड मसाज करने के लिए जो आप तिल का तेल होता है उसका यूज़ कर सकते हैं, तिल के अंदर थोड़ा सा आप रोगन बादाम का यूज़ करेंगे वो भी बेनिफिशियल रहता है। बस आपने ध्यान के रखना है कोई भी आपने ठंडा असर वाला तेल का इस्तेमाल नहीं करना, इसी वजह से जो नारियल का तेल होता है वो मना होता है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है, तो हम वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह से जो हम मार्केट में तेल लेते हैं जो ठंडा करने के लिए या सिर दर्द को दूर करने के लिए होते हैं, जिनका इफेक्ट ठंडा ठंडा लगता है, ठंडा ठंडा कूल कूल वाला कोई भी ऑयल का इस्तेमाल आप ना करें। घर में आप मालिश कर रहे हैं तो तेल को हल्का सा गर्म कर लीजिए, सूथिंग होना चाहिए, आप अपनी स्किन पर लगा के देखिए, अगर वो ठीक लग रहा है तो उस ऑयल को गर्म करके थोड़ा सा आप यूज़ करेंगे और फिर थोड़ी सी मसाज करेंगे तो हमें इफ़ेक्ट सेम शिरोधारा वाला मिलता है। इसको हम घर पे कर सकते हैं, लाइफ टाइम कर सकते हैं, और इससे हम पार्किंसन को ठीक नहीं कर सकते मानता हूँ, बट उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं कि वो बीमारी आगे ना बढ़े, अगर बढ़ती है तो धीमी गति से बढ़े, क्योंकि आज ट्रेमर्स आ रहे हैं, हाथ पैर हिल रहे हैं, गर्दन हिल रही है, मगर हम क्या देखते हैं पार्किंसन पेशेंट में कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये जो सिम्टम है ये भी बढ़ते चले जाते हैं। पेशेंट सिंडोपा भी ले रहा होता है बट वो भी उसका असर भी ख़त्म होता जा रहा है। तो हम इसकी हेड मसाज की हेल्प से पेशेंट में बीमारी को स्लो डाउन कर सकते हैं। अभी मैंने बात की थी सिंडोपा के बारे में, सिंडोपा की मात्रा हमें पेशेंट में क्यों बढ़ाते रहना पड़ता है इसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर।